सोचे कि हम किस तरीके से बुलाए गए, हम यीशु के लहू के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु के बलिदान के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु के कोड़े खाने के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु के मार खाने के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु के सर पे कांटों का ताज बनाने के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु मसीह के हाथ पैरों में केले ठुकवाने के द्वारा बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के जो सात भाग हैं उसके दूसरे भाग में है सात कलीसियाओं के नाम पत्र, और हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 20 पद से। पिछले संदेश में हमने इस पद के जो भाग बनाए थे, सात दीपक सात कलीसियाओं के कई भाग बनाए थे, और ये जो भाग है ये छठवां भाग है। पिछले संदेश में हमने कलीसिया के बारे में सीखा था कि मसीह की कलीसिया क्या है। मसीह की जो ध्येय है वो कलीसिया को बोला गया है, यानी यीशु मसीह की जो ध्येय है, यीशु मसीह का जो शरीर है उसको कलीसिया के साथ जो है वो कंपेयरिंग उसकी की गई है। इस भेद को हमने जाना था, मसीह की जो ध्येय है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए और कैसे पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि वो जो ध्येय है जो पवित्र होनी चाहिए, जिसको कलीसिया की उपाधि दी गई है, वो यीशु मसीह उसे अपने साथ खड़ी करना चाहता है। यानी इतना उस ध्येय को इतना पवित्र होना चाहिए, उस कलीसिया को इतना पवित्र होना चाहिए। जैसे पिछले संदेश में हमने सीखा था कि यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, उसके समान जो है वो पवित्र बनना है, तब हम यीशु मसीह के समक्ष जो है वो खड़े रह सकते हैं। आज इसी कलीसिया के बारे में और सीखेंगे, इस कलीसिया के भेद के बारे में और कुछ सीखेंगे कि आखिर ये कलीसिया और क्या है। और जब हम कलीसिया के बारे में जान लेते हैं तब हमें ये पता चलता है कि सही माने में एक मसीह की कलीसिया क्या होनी चाहिए और हमें जो है कैसे रहना चाहिए, कि हम मसीह के साथ जुड़कर कैसे रहना चाहिए। क्योंकि कलीसिया क्या है, मसीह की देह, यानी मसीह के साथ जुड़ी हुई। मसीह जो है कलीसिया का सर है, यानी मसीह के साथ जुड़ी हुई है वो, और मसीह के साथ जो देह यानी कलीसिया जो जुड़ी हुई है वो उसको कैसे रहना चाहिए कि वो मसीह के साथ जुड़ी रह सके और उसके साथ खड़ी रह सके। ये दोनों बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पहले हम इस पद को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका 20 पद। अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सात सोने की दीवटों का भेद, वे सात तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं और वे सात दीवट सात कलीसियाएं हैं। ठीक है, हमने सात दीवट और सात कलीसियाओं इनके बारे में सीखा। अब हम सीख रहे हैं कलीसिया के बारे में कि कलीसिया क्या। पिछले संदेश में भी यही सीखा और आज भी हम इस कलीसिया के भेद को जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, कि सबसे पहली बात थी कि कलीसिया मसीह के नाम से क्यों जानी चाहिए, क्यों हम मसीह के नाम से जाने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो यीशु मसीह की दुल्हन है, जो कलीसिया है, वो क्यों यीशु मसीह के नाम से ही जानी चाहिए। उसकी एक पहचान होनी चाहिए और वो पहचान क्या है, मसीह का नाम। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरा नाम पैट्रिक फ्रांसिस है, पूरा नाम जो है पैट्रिक फ्रांसिस है। मेरी पत्नी का नाम जो है वो पहले जो था मेरी शादी से पहले रीता मार्टिन नाम था उसका, परंतु अब क्या है लोग उसको मिसेस पैट्रिक या मिसेस फ्रांसिस कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो मेरे नाम से जानी जा रही है, मेरे नाम से इस क्यों जानी जा रही, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, मेरी देह है, मेरी शरीर है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कलीसिया का जो कंपेयरिंग की गई है, जो उपमा दी गई है, वो यीशु मसीह और कलीसिया की जो भेद प्रकट किए गए हैं वो पति और पत्नी को लेकर प्रकट किए गए हैं। जी हाँ, जब हमने इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़ा था उसके अंदर ये बातें लिखी हैं। और जब पति और पत्नी के बारे में है तो सीधी सी बात है कि जब कलीसिया यीशु मसीह की क्या कहलाई जाती है, पत्नी कहलाई जाती है या दुल्हन कहलाई जाती है, तो इसका मतलब उसके नाम से जाननी चाहिए। पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कि आखिर कलीसिया जो है वो क्या कहलाई जाती है। जी हाँ, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका
21 अध्याय उसका 9 पद है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, फिर जिन 7 सरदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ। अब ध्यान दीजिएगा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। क्या है वो सरदूत जो है क्या कह रहा है, यौहन्ना से क्या बातचीत हो रही, इधर आ मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। मेमना किसको कहा गया है, यीशु मसीह को जो है मेमना कहा गया है, और उसकी पत्नी किसको कहा गया, जैसे पिछले संदेश में भी हमने ये पढ़ा था कि मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, मसीह और कलीसिया ये एक है, और जब ये एक है तो जो कलीसिया है यीशु मसीह के नाम से जाननी चाहिए, उसे उसकी जो पहचान है यीशु मसीह के नाम से उसकी होनी चाहिए। और यहां पर जो है अभी बात यहां पर खत्म नहीं होती है, हम फिर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का बिया आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8वां पद है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब यहां पर जो है देखिए बड़ी ऐसी बात है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या कह रहा, आओ हम आनंदित और मगन हो। क्यों हो, क्यों आनंदित होना, देखिए आनंदित और मगन कौन होता है, आप किसी भी शादी में जाइए तो आनंदित और मगन कौन होता है, सबसे ज्यादा जो आनंदित और मगन होते हैं वो दूल्हे के दोस्त होते हैं। जी हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर एक कोई दुल्हन की कैटेगरी में नहीं है, दोस्त भी हैं, उसके मित्र भी हैं। किसको कहा गया है ये ध्यान देने की बात है, बहुत कई लोगों को मित्र कहा गया है, बहुत से लोगों को जो है पवित्र लोग उसके लोग कहा गया है। जब मेमने का ब्याह आता है, लिखा ना, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएगा तो बहुत से पवित्र लोगों के साथ आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो जो पवित्र लोग उसके साथ आएंगे वो आनंदित और मगन होंगे। क्यों, क्योंकि वो किसके, वो स्वर्गीय जो राजा है, जो पृथ्वी का राजा है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका जो है विवाह में वो सम्मिलित होने जा रहे हैं, और वो किसको लेने जा रहे हैं, वो दुल्हन को लेने जा रहे हैं, यानी यीशु मसीह की दुल्हन को लेकर, तो वो उनसे बातचीत कर रहा है कि सब लोग क्या है, आनंदित और मगन हो, और इस पृथ्वी पर जो दुल्हन है वो आनंदित और मगन होती है। क्यों, क्योंकि उसका विवाह जो है वो किससे होने जा रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह से होने जा रहा है, और इसका मतलब क्या है कि उस दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, अब वो पृथ्वी की ना होकर कहां जा रही है, वो अपने दुल्हे के घर में जा रही है, दूल्हा कौन, यीशु मसीह के घर में जा रही है, यानी स्वर्ग में जा रही है, अब वो वहां पर राज करेगी, वहां पर वो अमन और शांति से रहेगी, और किसी भी प्रकार का कोई कलेश जो है अब उसके जीवन में, दुल्हन के जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, शांति और आनंद और बहुत सी चीजें जो आत्मिकता से जुड़ी हुई हैं वो चीज उसके जीवन में होगी। तो यहां पर बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए जब हम कैसे दुल्हन की जब हम बात करते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, आप निकाल सकते हैं मत्ती 25 का 10 पद है, यहां पर लिखा हुआ है, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। ठीक है, यहां पर क्या है, मत्ती 25 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर 10 कुंवारियों का जो है वो दिया गया है, पिछले संदेश में भी इस चीज की चर्चा हुई थी कि 10 जो थी कुंवारी थी यानी पवित्र थी, और 10 को यीशु मसीह का इंतजार था, 10 जो के 10 के पास जो थी वो लालटेन थी, और 10 जो थी ऊँगने लगी, और 10 जब आधी रात को धूम मची तो 10 जाग गई और 10 अपनी लालटेन को सही करने लगी, मगर जिनके पास तेल था, तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, भरी हुई थी, अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी दूल्हे के साथ जाने के लिए। क्यों, अब देखिए यहां पर हमने शुरू में एक बात कही थी कि यीशु मसीह
ऐसी कलीसिया यानी ऐसी दुल्हन चाहता है जो उसके साथ खड़ी रह सके। अब उसके साथ खड़ी रहने का मतलब क्या है कि वो उसी के समान पवित्र हो, क्योंकि जब वो उसके समान पवित्र होगी तभी वो उसके साथ खड़ी रह सकती है, उसके साथ रह सकती है। और यहां पर जो थी, ये जो पांच कुंवारियों का जो जिक्र दिया गया, ये पूरी तरीके से तैयार थी उसके साथ खड़े रहने के लिए, इसलिए वो चली गई। और जब वो चली गई तो क्या हो गया, जो तैयार थी लिखा वो चली गई और द्वार बंद हो गया। फिर किसी के लिए उस राज्य में एंट्री करने की आज्ञा नहीं थी, फिर वो प्रवेश नहीं कर सकती थी जब एक बार द्वार बंद हो जाए। हमने पिछले संदेश में एक बात और भी पढ़ी थी कि जिसको यीशु मसीह बंद कर दे उसको खोलने वाला कोई नहीं होता है, और जिसको यीशु मसीह खोल दे उसको बंद करने वाला कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर द्वार बंद हो गया है, अब खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप नू इसका जो है, जब नू के समय में जलप्रलय हुआ तो याद रखिएगा, नू के जहाज के द्वार को बंद करने वाला नू नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने उसे बंद किया था। और जब परमेश्वर ने उस द्वार को बंद करा तो उसे खोलने वाला ना तो नू हो सकता था और ना जो बाहर लोग रह गए थे वो भी नहीं थे। और उसको परमेश्वर ने बंद किया और परमेश्वर ने खोला। यहां पर वही चीज है कि यीशु मसीह ने जब द्वार बंद कर दिया तो जिनके लिए द्वार बंद हो चुका है फिर वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हम पत्नी की बात करते हैं, जब हम दुल्हन की बात करते हैं, जो तैयारी की बात है, ये सिर्फ ये नहीं है कि नए नियम की बात है। पुराने नियम में भी जो इज़राइल प्रजा थी, जो यरूशलम के लोग थे, उनको भी पत्नी का दर्जा दिया गया है, उनको भी दुल्हन का दर्जा दिया गया है, उनको भी कलीसिया कहा गया है। क्या आपने कभी सुना है कि इज़राइल प्रजा को, यरूशलम के लोगों को, जो परमेश्वर के लोग थे, उन्हें जो है पत्नी कहा गया है या उन्हें कलीसिया कहा गया है? कलीसिया कहने का मतलब उन्हें दुल्हन भी कहा गया है। शायद पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, अगर नहीं सुना तो आप सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पहले हम पढ़ेंगे यशाया 54 और उसका पांचवा पद जो है यहां पर पढ़ रहे हैं। यशाया की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसका पांचवा पद, यहां क्या लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वे सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। अब यहां क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा कर्ता, यानी कर्ता का मतलब क्या होता, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता जो है वो क्या है, तेरा पति है, यानी जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। जी हाँ, परमेश्वर को पुराने नियम में बहुत बार इस बात से रिपीट किया गया है कि उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, है? वो किसका, वो उस इज़राइल प्रजा का जो है, वो जो उस यरूशलम के लोगों का है, वो उसका पति कहलाया है, यानी वो उसकी पत्नी कहलाई है, दुल्हन कहलाई है। अब हम बात करेंगे अभी कि दुल्हन की भी बात करेंगे, मगर यहां पर एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। जब आप एज़ेकिल 16 अध्याय पढ़ेंगे ना, पूरा उसको शुरू से पढ़िएगा 16 अध्याय को, वहां पर शोमरोन और यरूशलम के बारे में चर्चा की गई है और उसके लोगों के बारे में की गई। यहां पर एक बात लिखी हुई है, जब आप एज़ेकिल 16 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ेंगे, मैं पूरा उसको नहीं पढ़ रहा हूं, मगर आप लोग अपने घर में इसको पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। वहां पर 8वें पद में एक लाइन आ रही है, और तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। यहां लिखा है और तू मेरी हो गई, तू मेरी हो गई का मतलब क्या है, है? अब हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा बहुत से लड़के लड़कियां या बहुत से आदमी लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जब वो अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन कराते हैं, ये इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, ये मेरी है, ये मेरी हो गई है। तो यहां पर परमेश्वर अपने उन्हीं लोगों के बारे में क्या कह रहा है, जिसके बारे में वो लिखता है कि यहोवा तेरा कर्ता तेरा पति है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, यानी ये मेरी हो गई है, ये मेरी है, ये मेरी कहलाई जाती। मेरी कैसे कहलाई जाएगी, उसके नाम के द्वारा। यहां पर कलीसिया का भी यही है कि कलीसिया यीशु मसीह के नाम के द्वारा यीशु मसीह की कहलाई जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कि जो इज़राइल है, जो यरूशलम के लोग हैं, वो कैसे कलीसिया कहलाए जाते हैं, उनको कब कलीसिया कहा गया, कैसे उनको कलीसिया की उपाधि, कलीसिया का मतलब दुल्हन की उपाधि मिली,
कैसे उन्हें दुल्हन कहा गया, कैसे उन्हें परमेश्वर की देह कहा गया, यानी कलीसिया का मतलब यहां पर नए नियम में जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की देह है। कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोग। जब आप ये यूनानी शब्द से लिया गया है एक कलीसिया का, उसका मतलब होता है बुलाए हुए लोग, यानी मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने इसराइलियों को बुलाया, मिस्र की गुलामी से बुलाकर लेकर आया, निकाल कर लाया, और हम लोगों को पाप की गुलामी से निकाल कर लाया। इसलिए इसराइली भी बुलाए हुए लोग हैं, क्योंकि वो मिस्र की गुलामी से बुलाए गए और हम लोग जो है पाप की गुलामी से बुलाए गए लोग हैं। और इसलिए कलीसिया जो शब्द है वो हमारे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, चाहे आप दुल्हन के रूप में ले लीजिए, चाहे बुलाए हुए लोगों के रूप में देख लीजिए, चाहे किसी भी रूप में देख लीजिए। बुलाए हुए लोग कौन? देखिए मैं पहले से कहता आ रहा हूं, बुलाए हुए लोग कौन, यानी वो परमेश्वर के लोगों का समूह जिनको परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया है, जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है, जिनको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के लिए बुलाया है, जिनको परमेश्वर ने अपने राज के लिए बुलाया है, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो इस समय के लोग क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को कहता है। चलिए हम उसकी बात करते हैं, प्रेरितों के काम 7:38। यहां लिखा है, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस सरदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। अब यहां देखिए यहां क्या लिखा है, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में, ठीक है, जंगल में कलीसिया के बीच में उस सरदूत के साथ सीने पहाड़ पर जिससे बातें करी। अब यहां पर बात करने की मतलब है किसने, कलीसिया ने बात करी, कौन सी कलीसिया, जो सीने पर्वत के पास थी, जिसने बातें करी किससे, जब परमेश्वर ने कहा ना कि तू उस चट्टान से बातें कर, हैं मूसा से कहा था उनके देखते हुए, अब चट्टान से, वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान कौन था, 1 कुरिन्थियों 10:4 जब 4 पद पढ़ेंगे लिखा वो चट्टान मसीह थी, और वो मसीह के साथ जो है बातें करी, उस दुल्हन से जो बातें कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर शुरू से एक है, अलग नहीं है वो। और यहां पर जो है पुरानी जो दुल्हन, पुराने समय की जो दुल्हन दिखाई जा रही वो इसराइल और सीने पर्वत पर है। देखिए इसराइल को भी कलीसिया का जो है उपाधि दी गई है और वो कलीसिया के अंतर्गत आती है, यानी दुल्हन के अंतर्गत आती है। इसलिए इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझे कि इसराइल के लिए भी कलीसिया शब्द का प्रयोग है और हमारे लिए भी कलीसिया शब्द का प्रयोग है, यानी एक कलीसिया यूनानी शब्द से निकाला गया है बुलाए हुए लोग है? हम लोग बुलाए हुए लोग हैं, इसराइली लोग बुलाए हुए लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है और अपने लिए चुना है। ये बड़ी बात है, समझने की बात है कि इसराइल हो, इसराइली हो या आज के नए नियम के जो मसीह लोग हैं, वो सब जो है वो क्यों बुलाए गए हैं, इन चीजों को हमें समझना जरूरी है। देखिए मैं कभी कदार बहुत से रेफरेंस नहीं पढ़ता हूं समय की वजह से, और इसलिए मैं 1 कुरिन्थियों 1:2 उसका 2 पद पढ़ूंगा, वहां पर आप पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस आपको दे रहा हूं 1 कुरिन्थियों 1:2 उसका 2 पद, वहां लिखे वहां पर जो मेन पॉइंट लिखा हुआ वो बता रहा हूं, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग किसके होने के, देखिए हमें क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने इसराइल को पवित्र होने के लिए बुलाया। एजेकेल में पढ़ेंगे वहां पर वो उसको पवित्र करता है, उसके पापों से उसे पवित्र करता है, एजेकेल 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, और जब वो उसको धर्म की चादर ओढ़ाता है, उसे पवित्र करता है, तो तब वो कहता है ये मेरी हो गई। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे साथ जो है वो दुल्हन खड़ी रह सके, वो कलीसिया जो है मेरे साथ खड़ी रह सके, इसलिए वो कहता है कि पवित्र होने के लिए बुलाया है उसने। हमें पवित्र बनने की जो है अति आवश्यकता है। फिर क्या है, गलातियों 5:13 में, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। देखिए हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, किस बात से, पाप से, जो पाप की गुलामी से यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया, सारे श्राप से हमें स्वतंत्र कर दिया, सारे कुविचारों से, गलत विचारों से, घृणा से, ईर्ष्या से, जलन से, कुड़न से, एक दूसरे पे दोष लगाने से यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया।
स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है। जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, जैसे यूहन्ना 8 अध्याय उसके 32 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहता है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब उसका 6 पद पढ़ेंगे, यदि तुम पुत्र को जानोगे तो पुत्र तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह के द्वारा हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और अब हम जब स्वतंत्र हो चुके हैं उन सारी चीजों से जिन चीजों के बंधन में थे, पाप की गुलामी के बंधन में थे, बुराई की गुलामी के बंधन में थे, बहुत सी बुराइयों में के बंधन में बंधे हुए थे, यीशु मसीह ने हमारे सारे बंधनों को खोल के हमें आजाद कर दिया। किस लिए आजाद करा? इसलिए नहीं कि हम अपनी मनमानी करें, इसलिए नहीं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, बल्कि इसलिए कि अब हम यीशु मसीह के लिए जिए, बल्कि इसलिए कि अब हम यीशु मसीह के होकर जिए, इसलिए कि हम यीशु मसीह की दुल्हन बनकर जिए, इसलिए कि हम यीशु मसीह की पत्नी होकर जिए। पत्नी होने का मतलब उसके अधीन रहकर जिए। इसलिए उसने हमें स्वतंत्र किया है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप 1 कुरिन्थियों 1:26 पद पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। देखिए क्या कहता है कि हमें अपने बुलाए जाने को सोचते, हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, यीशु मसीह ने यदि हमें बुलाया है और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया, हमें स्वतंत्र किया है, हमें पवित्र किया है, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया है, तो हम सोचे कि हम किस तरीके से बुलाए गए। हम यीशु के लहू के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु के बलिदान के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु के कोड़े खाने के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु के मार खाने के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु के सर पे कांटों का ताज पहनाने के द्वारा बुलाए गए हैं, हम यीशु मसीह के हाथ पैरों में कीले ठुकवाने के द्वारा बुलाए गए हैं। हम ऐसे ही नहीं बुलाए गए, सोचें क्यों, कैसे बुलाए गए हैं, हम कैसे बुलाया है प्रभु ने हमें अपने पास खड़ी होने के लिए, अपने पास खड़ा रहने के लिए, अपनी देह में सम्मिलित करने के लिए, अपनी देह में परिवर्तित करने के लिए। देखिए ये बहुत गहराई वाली बातें हैं, इसलिए मैं कहता हूं इन चीजों को जो है वो हमें और आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्यों बुलाए गए हैं, किस लिए बुलाए गए हैं। और इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय का अध्ययन जब करते हैं, जब इस कलीसिया के बारे में सीखते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कलीसिया जो है हर समय के लोगों का के अंदर से प्रभु ने अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को चुना है, जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाए रखा है, चाहे वो पहली शताब्दी के लोग हैं, उसके बाद जो शताब्दी के लोग हैं, इफिसुस की कलीसिया के लोग हैं, स्मुर्ना की कलीसिया के लोग हैं, ये उस समय के लोगों को डिवाइड किया गया, समय में डिवाइड, उस समय के लोगों ने कैसे अपने आप को बचा के रखा है, पवित्र करके रखा है, अपने बुलाए जाने को उन्होंने समझा है, और अपने यीशु मसीह के पास खड़े होने के लिए उन्होंने अपने आप को संसार की बातों से और हर एक बुराई और पाप से बचाकर सुरक्षित रखा है, ताकि वो यीशु मसीह के साथ खड़े हो सके। यीशु मसीह उनमें से लोगों को चुनेगा ना, प्रकाशित सॉरी जब आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो लिखा 30-31 पद है, आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा यीशु मसीह जब आएगा ना, चारों दिशाओं से अपने लोगों को क्या करेगा, चुनेगा, हर एक समय के लोगों को चुनेगा। और इसलिए वो हर एक समय के लोगों के बारे में ये 7 कलीसियाओं के द्वारा वर्णन करता, बातचीत करता है, क्या कहना चाहता है, क्यों अलर्ट करना चाहता है, क्यों सावधान करना चाहता है, क्यों हमें सावधान होना चाहिए। इसलिए 7 कलीसिया जो हैं, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में दी गई हैं, इसको समझना है और अपने आप को वैसे ही दुल्हन के रूप में अपने आप को बनाना है, ताकि प्रभु के समक्ष खड़ी रह सके। अब आप समझ गए होंगे कि कलीसिया आखिर है क्या। कलीसिया जो है ये संस्था जो है, ये कलीसिया नहीं है, जो सही में यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसको यीशु मसीह चुनेगा, आकर इसमें से निकालेगा, उसमें से निकालेगा, उस समय के लोगों में से, फर्स्ट सेंचुरी के लोगों में से निकालेगा, 300 शताब्दी के लोगों में से निकालेगा, 500 लोगों में निकालेगा, 1900 में जो लोग जी रहे हैं उनमें से निकालेगा, 1900 के बाद जो 2000 सन में जो जी रहे हैं, या 2000 के बाद 3000 में भी अगर आएगा उनमें जो जी रहे हैं, उन सब में से ऐसे निकालेगा और अपने लिए एक पवित्र कलीसिया अपने साथ खड़ी करके बनाएगा। तो हम प्रभु की कलीसिया में बने रहें और इस 7 कलीसियाओं के समय काल को समझें और अपने आप को तैयार करते रहें मसीह के लिए, उसकी दुल्हन बनने के लिए, उसकी पत्नी के लिए।
पत्नी का मतलब उसके अधीन रहें, उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने और उसके समीप जो हैं बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।